ऐसे अच्छे से करो, खाना नहीं ये ब्रश करना है। इश्क टीथ दिखाओ आप, कैसे हो गए इश्क टीथ? हाँ गुड मॉर्निंग बोल दो। वो नहीं आता है, नहीं आता है। गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपके अपने चैनल एम्प्रोकधन में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मैं हूँ स्वाति, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोग कहाँ हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे पोस्टर निकल गया था और मेरे पास गम वगैरह नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो चावल मतलब दाल चावल की खिचड़ी होती है ना वो ले ली और यहाँ पर लगा दिया। उससे क्या होता है, अच्छा चिपक जाता है, चाहे चावल आप यूज़ करो चाहे दाल चावल की खिचड़ी। मेरे पास खिचड़ी बनी हुई थी इसी कारण मैंने उससे लगाया, नहीं तो मैं चावल से लगाती हूँ। और आजकल ना बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, और पता है जिनकी भी तबीयत ख़राब हुई थी ना अभी, तो उनके जो हेयर है बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताओ इतने झड़ रहे, मतलब इतना हेयर फॉल्स हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। और ऐसी भी कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये जो सीज़न आता है तो हमारा हेयर फॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। उस अगर हम लोग हमारे हेयर की केयर करेंगे ना तो इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी कारण आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर पैक, जो कि है स्टेमियो का है, आंवला शिका का है, रीटा और भृंगराज पाउडर है और हिबिस्कस पाउडर, मतलब ये सब कुछ है ना पाउडर, ये स्टेमियो का है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। इसके पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसके बाद मैं आपके साथ ही रिव्यू शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मैं यूज़ करने से पहले कभी भी शेयर नहीं करती हूँ। तो मैंने हर चीज़ में से मतलब कि जैसे भृंगराज हो गया, आंवला, रीठा, आंवला, ये जो मतलब जो भी प्रोडक्ट वगैरह है ना इसमें से एक एक चम्मच मैंने सब ले लिया है। और मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, मतलब कि आपको दिख रहा है जैसे कि मैं लोहे में ही मैं डालती हूँ, तो उससे क्या है मतलब लोहे में जितने भी गुण होते हैं वो हमारे बालों में मतलब बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एक स्पून मैंने सब ले लिया है। और फिर इसका ना हमको एक मतलब पेस्ट बनाना है, तो मैं है ना दही लूँगी। दही इसलिए लूँगी क्योंकि मेरे हेयर में थोड़ा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस कारण मैंने दही लिया है। आप प्लेन वाटर से इसे मतलब कि पेस्ट बना सकते हैं इसका, और इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू भी ऐड कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता ही हुआ रीठा, आंवला, शिकाकाई और भृंगराज के बारे में, ये हमारी जो हेयर की जड़ होती है ना उसको है ना स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो हेयर फॉल्स होता है ना उसको कम करता है, और जिसके हमारी जो हेयर की लेंथ होती है उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा है ना। इसमें जो न्यू चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, हिबिस्कस पाउडर है, भृंगराज है, भृंगराज भी हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल्स को रोकता है, सिल्की शाइनी बनाता है, बहुत अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए, मतलब इंक्रीज होने में भी उसमें हेल्प करता है। और जो हिबिस्कस पाउडर है वो भी हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर को सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है, और जो हेयर फॉल्स वगैरह होता है उसको कम करता है। और ये स्टेमियो का है, स्टेमियो का ऐसा है कि अगर आप इसका लेते हो ना, एक तो इसकी जो मतलब आंवला, रीठा, शिकाकाई और भृंगराज, हिबिस्कस पाउडर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप नॉर्मल मार्केट में से खरीदते हो ना तो क्या पता वो डुप्लीकेट भी हो जाता, बट ये नहीं है, और इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, और आप इसे ले सकते हो। अगर आप इसे परचेस करना चाहते होंगे ना, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अभी जाइएगा, अभी परचेस कीजिएगा, आपको डिस्काउंट के साथ मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली ऐसे जो लेते हो ना तो उस पर डिस्काउंट नहीं होता है, बट इस पर इन्हें डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जल्दी से जाइएगा और जल्दी से इसे यूज़ कीजिए, और जल्दी से यूज़ करोगे तो आपकी जो हेयर की प्रॉब्लम है ना वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना, आपको जो हेयर की लेंथ है उस पर नहीं लगाना, हमारा जो स्कैल्प है बस उसको जड़ों में लगाना है। तो जड़ों में लगाने से जो उसका पोषण होता है ना पूरे हेयर में आ जाता है, जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं बॉडी के अंदर तो जो उसका जो भी पोषण रहता है वो हमारे बॉडी पर आ जाता है, वैसे ही इसी का काम है। आपको बस अंदर लगाना है हेयर पर, और बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं ऊपर ऊपर इसे लगा लूँगी, फेंकने से अच्छा है कि इसको लगा लूँ। और हाँ आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हो, इसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाइएगा चेकआउट कर लीजिएगा।
तो मैंने है ना हेयर पैक बना के और फिर उसके बाद है ना मैंने 1 से 2 घंटे के लिए रहने दिया था। आप तुरंत भी लगा सकते हो, तो उसी बीच का ये मेरा क्लिप है, बाद में मैंने हेयर पैक लगाया था, बट मैं आपके साथ शेयर कर देती ना, मैंने इसलिए सोचा कि चलिए आपके साथ मैं तुरंत ही शेयर कर देती हूँ कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है। तो बस यहाँ पर ये जो साड़ी वगैरह ये सब कुछ रखी हुई, सब मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, बट मैंने सोचा कि पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शेयर करने से पहले ना यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी के पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई अपनी मेहनत से पैसे कमाता है ना, तो ऐसे ही मतलब खुद के फायदे के लिए दूसरों को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, ये गलत बात होती है ना। तो इसी कारण है ना मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ, मैं पहन लेती हूँ, मैं फिर आपके साथ है ना मैं शेयर करूँगी। तो ऐसे 4-5 साड़ियाँ 6 हाँ 5 ऐसे को साड़ियाँ रखी हुई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है मेरे पास, जो आई है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर बस मैं ये निकाल के रख दूंगी, जो फ्लावर लगाए ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं कुछ भी उटपटांग काम करती रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि निकाल लेती हूँ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और बस मैं दिवाली आने का वेट कर रही हूँ कि कब दिवाली आएगी, और मैं अपने घर की मतलब घर को अच्छे से डेकोरेट करूँगी, क्योंकि मैंने जो डेकोरेट किया ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उस समय पता समझ में नहीं आता था उतना कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, जल्दी में मैंने कर लिया था, मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी तब मैंने किया था, बट अब मुझे अपने घर को अच्छे से रखना है, मतलब जो भी चीज़ें लूँगी अच्छी लूँगी, अच्छी मीन्स की भलाई सस्ती क्यों ना हो, बट वो दिखने में अच्छी हो, ऐसा नहीं कि महंगी चीज़ें ले लो, अच्छी चीज़ें मतलब ऐसा नहीं होता कि हम महंगी चीज़ें लो, मतलब सस्ती चीज़ें लो बट वो अच्छी लगे दिखने में, ऐसी चीज़ें लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती महंगी चीज़ें, मैं भी जो अपना काम है ना सस्ती चीज़ों से ही चलाती हूँ। हाँ मतलब ऐसा कुछ होता है कि हाँ चलो महंगी चीज़ लेना ही है तब जाकर मैं लेती हूँ, नहीं तो मैं सस्ती ही चीज़ों में अपने काम चलाती हूँ, क्योंकि एक चीज़ लेने से अच्छा है कि 10 चीज़ें ले लो जो हमें यूज़ में आती है। तो इसी कारण जो महंगी चीज़ें लेना है तो महंगी लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें हम लोग सस्ती चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो इसी कारण। तो बस ये बेड वगैरह मैं रख लूँगी यहाँ पर, मैं अपना जो हॉल वगैरह वो मैंने साफ़ कर लिया है, बेड वगैरह को झटकना है। और आप लोग कैसे हो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है इसी कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ, मीन्स की मेरी ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ना रेस्ट करना चाहती हूँ, एकदम होता है टेंशन टेंशन टेंशन, बहुत टेंशन होता है यार, और आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हो तो इसी कारण है ना फिर मन नहीं करता, ऐसा लगता है यार कि कितनी भी मेहनत करो उसका फल मिलता ही नहीं है, तो फिर एक होता है ना इंसान फिर एक समय ऐसा आता है कि वो थक जाता है, नहीं करने का मन करता है। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है, मैं कितना भी कुछ करती हूँ फिर भी आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हो, तो इसी कारण है ना मेरा मन नहीं करता, फिर ऐसा लगता है कि टेंशन लेने से क्या मतलब है, अपना काम करो, आराम करो और अच्छे से रहो, इसी कारण नहीं कर रही हूँ। तो बस आंटी जी वगैरह आ गई है, तो उनको मैं ये जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह किया था तो वो बर्तन में पानी में से निकाल के दे दूँगी, क्योंकि उनको मैं झूठे बर्तन नहीं देती, अच्छा भी नहीं लगता है ना हमें अगर हमें कोई झूठे बर्तन दे दे साफ करने के लिए, तो हमारा भी मन नहीं करता है, तो इसी कारण मैं उनको दे देती हूँ ताकि उनको भी इजी हो जाए, और झूठे बर्तन भी नहीं देना चाहिए किसी को, और बर्तन अच्छे से साफ भी हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह निकाल के, और देखिए यहाँ पर मैंने बलून लगाया हुआ है, आपने देखा यहाँ पर, क्योंकि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं अपने मराठी चैनल पर शेयर करूँगी चाहे इसी पर भी शेयर करूँगी, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर शेयर करूँ, तो इसी कारण मैंने ना अभी आपके साथ शेयर नहीं किया। कुछ किचन ट्रिक्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, किचन की भी टेंशन मत लीजिए, वो भी किचन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, बस दिवाली का वेट कीजिए, और दिवाली के बाद मैं सब कुछ अच्छा करने वाली हूँ, क्योंकि दिवाली में पुताई वगैरह हो जाती है तो हर चीज़ करने में मन लगता है। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर करती हूँ, मीन्स के नॉर्मली हमारे घर में बनने वाली सब्जी है आलू भट्टे की सब्जी, पता नहीं आप लोगों के यहाँ पर बनती है कि नहीं बनती है, बट हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बट अच्छी नहीं बनती है ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो इसी कारण मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लेना है आलू भट्टे की सब्जी में, मीन्स के आलू बैंगन की सब्जी में,
और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा लाई और उसमें डाला 5 से 6 कली लहसुन के डाले मैंने, सेगी डाली, सेगी मीन्स कि उसको मैंने कट नहीं किया, ऐसे ही मैंने पूरा डाल दिया है और हल्का सा वो ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया है, एक बड़ा साइज का मैंने प्याज लिया है और फिर इसको मैं मतलब कि पकने दूंगी, कि ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हमें उसमें ना बैगन और आलू उसमें डाल देना है। और आलू बैगन डालने के बाद हमें इसको कवर नहीं करना है क्योंकि जो बैगन होते हैं ना वो बहुत जल्दी गल जाते हैं और आलू भी बहुत जल्दी पक जाता है, बट आलू से पहले ना बैगन गल जाता है, तो इसी कारण है ना हमें इसे कवर नहीं करना है। और जो इसका जो मतलब कि गैस का फ्लेम है हमें थोड़ा कम रखना है, मैंने थोड़ा सा हाई किया बट थोड़ा इसे कम रखना है। और फिर इसमें है ना हमें थोड़ा सा मसाला डालना है, मीन्स की थोड़ी सी हल्दी जितनी हम लोग सब्जी में ऐड करते हैं, और इसमें ऐड करना है गरम मसाला। तो ये जो सावजी मसाला होता है ना, शायद आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र में पता होगा सावजी जो मसाला होता है वो गरम मसाला होता है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। नमक अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसी कारण मैंने अभी ऐड नहीं किया। तो इसको मैंने आधा पकने दिया, मीन्स की 50% इसको मैंने पकने दिया है, उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले में मैंने ऐड किया है रेड मिर्च पाउडर, मीन्स कि मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। और आपको है इसमें धनिया मसाला भी ऐड करना है, अभी मेरे पास है ही नहीं, मैं लाना ही भूल जा रही हूँ मार्केट में से, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि लाना है, तो अभी ग्रोसरी वगैरह मैं ऑर्डर करूँगी तब जाकर अभी लाना पड़ेगा, ध्यान नहीं रह रहा मुझे। तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने 1-2 मिनट चलाई थी मिर्ची डालने के बाद, उसमें टमाटर डाल दिए है और इसको कवर नहीं करना है। कवर क्योंकि इसलिए नहीं करना है क्योंकि बहुत जल्दी गल जाएंगे और वैसे ही हम लोगों ने ऑलरेडी ऑयल में पका दिया है। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, मीन्स कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करना है, इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने की आदत मेरी मतलब बहुत बार करती हूँ, थोड़ा कुछ चीज़ें डाली तो मिक्स कर दिए, तो बहुत बार मिक्स कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये थोड़ा सा मसाला पक जाएगा, उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नॉर्मल हमें 2 लोगों के लायक जितना मैं मतलब बना रही हूँ उतना ही मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको भी मैं ऐसे ही पकाऊँ, बस 5 से 10 मिनट हमें पकाना है। इसके बाद मैंने लास्ट वाले क्लिप आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, कितनी जल्दी लग जाती है कि मैं शेयर करना ही भूल जाती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग में एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।